एक एक मिनट की चार ब्रीथिंग एक्सरसाइज मेरे साथ करते हैं। सबसे पहली 1 मिनट की जबरदस्त, ठीक है? इस तरफ से श्वास लेंगे, इधर छोड़ेंगे, देखिए और करिए। इसी का ऑपोजिट, बढ़िया। दूसरा, दांतों को भींच करके श्वास लेंगे और नाक से छोड़ेंगे, देखो करो। पूरी श्वास छोड़ा करो, पूरी लिया करो। तीसरी, शोल्डर्स पे हैंड श्वास के साथ। स्पीड बढ़ाएं। बढ़िया। चौथी, नाक से तो श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। बढ़िया, रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करो, रब करो, रब करो भाई, चेहरे में लगाओ। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। तो हमने कल सूक्ष्म व्यायाम किया था, आज भी हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो कर लिए थे उसके अलावा। तो थोड़ा हाथों के और फिर पैरों के सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं, ठीक है मेरे साथ? तैयार हो सब लोग? चलें। चलिए सबसे पहले एक बार हाथ को थोड़ा सामने करके जरा देखना, पूरी उंगलियों को इस प्रकार खोलो, पूरे ज्वाइंट्स को लगाओ, पैक करो। बढ़िया, फिर एक बार पूरी खोलेंगे। अब अंगूठे को अंदर करो और मुट्ठी बांधो। बढ़िया, फिर सिंपल मुट्ठी बांधो और घुमाओ, रिस्ट का व्यायाम। पूरी पूरी भाई, क्लॉक वाइज प्रॉपर तरीके से, जल्दी भी नहीं, बहुत देरी भी नहीं, इसी का एंटी क्लॉक वाइज। सेम प्रक्रिया को बाजू से करेंगे, साइड में एक बार राउंड अप। बढ़िया, देखो जरा इस प्रकार से वापिस आएंगे। तो आप अभी देखेंगे कि हमारा जो हाथ है वो एक्टिव मोड में आ गए, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होने लगा। आगे चलेंगे, देखो मुझे भाई, बातें नहीं करो, देखो सिंपल है, सूक्ष्म व्यायाम कर रहा है ना, ये झुको नहीं, घुटने को ऊपर लेके आओ, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। दूसरे पैर से बढ़िया, अगला सिंपल करेंगे, सिंपल अपने माथे को एक घुटने से लगा देंगे, ये तो सरल है। अब किसी किसी साथ किसी से नहीं बनेगा तो वो मैक्सिमम झुकने का प्रयास करेंगे, ठीक है? वापिस दूसरे पैर घुटने पर, वापिस आगे चलेंगे। एक हाथ यानी लेफ्ट हैंड वाले हैंड को ऊपर हथेली करके रखेंगे, बाजू में कोहनी लगा के सीधे हाथ को झुकेंगे। ये साइड बेंडिंग होगी इसमें, बहुत बढ़िया आपके लिए। पूरा पूरा झुकते हैं, लगा दे जमीन पे हाथ, मैक्सिमम झुके हैं। जिसका नहीं भी लग रहा हो तो भी लाभ मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन आनी चाहिए। धीरे धीरे वापिस आएंगे, सीधे हाथ को ऊपर रखेंगे हथेली, उल्टे हाथ से सीधा करके धीरे धीरे झुकेंगे। पूरा पूरा धीरे धीरे करके वापिस आएंगे। बढ़िया, अगला करेंगे तो जरा पैरों को फैलाएं। एक मिनट, इसको ये सीधे पैर को घुटने पर रखें। अब ये इसको थोड़ा पूरा पूरा इस प्रकार दबा के चला। दूसरे पैर को फैला के उल्टे पैर को रख के, बढ़िया। एक बार फिर से सुखासन में बैठेंगे तो
देखना जरा, पैर को इस प्रकार से सिंपल चलाना है। क्या कर दी तुमने? बढ़िया देखो हम इस तरफ भी पूरा और इस तरफ, बढ़िया। इसी का अगला, इसको पैरों को देखो पूरा ऊपर नीचे, यानी सिर के ऊपर देखो पैर जाना चाहिए, देखो कितना वापस। कर बात नहीं करो, बोले यार तीनों से। देना। चलो दूसरे पैर से चलाएंगे, दूसरे पैर को लड़के को बताता हूँ, रुक। पूरा पूरा मुस्कुराते हुए, बढ़िया। अगला, ऊपर नीचे अप एंड डाउन अपने फुट को करेंगे, इतना तक ले जाएंगे, सिर के ऊपर जाना चाहिए, आप खुद से देख लो। इसका ये मतलब नहीं सिर नीचे कर दो पैर ऊपर कर दो, अरे सिर भी ऊपर रहे और पैर भी ऊपर रहे, बढ़िया। वापस चलो आगे चलेंगे, आगे और सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो दोनों पैरों को फैलाएंगे, ठीक है, हाँ जी। अब देखो इस प्रकार हाथ करो, इस पहले तो इसी मोड में चलने दो, एक बार बिना कोहनी मोड़े चक्की चालन आसन। पूरा पूरा झुकना है, पूरा पूरा बनाना है, सुनो, कोहनी नहीं मोड़ना, ऑपोजिट भी, एंटी क्लॉकवाइज। बढ़िया। अगला, अब चलाएंगे हम, चलते नौका विहार के लिए, ठीक है। तो जैसे नाव में बैठते हैं पतवार चलाते हैं, उस प्रकार देखो जरा, झुकना है पीछे आना है, और हाथ पूरे पूरे आगे भी पीछे भी। और तेज उत्साह के साथ, बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग। हाँ, अब इसी का ऑपोजिट, जितना आगे ले गए हैं नाव को वापिस ला करके यथा यथास्थान खड़ी कर दे वे। स्थान बढ़िया, नेक्स्ट। खड़ी तो अब हम चलते हैं जरा मठा मही भाते हैं, एक बार दोनों पैर तो खुले हुए हैं, हल्का सा खोल लेंगे तो भी चलेगा। अब देखो एक हाथ पूरा सामने जाता है, एक हाथ पूरा पीछे, फिर दूसरा, पहले धीरे धीरे, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। और तेज, थको नहीं, नाक से सांस लेंगे, बोलेंगे कोई नहीं, बढ़िया। आगे चलेंगे तो दोनों हाथ से दोनों पैरों को पकड़, इतना तो बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए क्योंकि कुछ लोग तो अपने इस मुद्रा में अपने माथे को जमीन से लगा लेते हैं, ठीक है। हम जितना बैंड हो सके उतना तो करने को, झुकने की कोशिश करें जरा, एक बार या मुझे देखो। हाथ वापिस, अगला अगला और सूक्ष्म व्यायाम करते हैं थोड़ा। देखो दोनों पैरों को, सिंगली नीचे जाएगी जमीन पर और अंगूठे लग जाएंगे, अगला। देखो दोनों पैरों को जोड़ो और अब राउंड अप, एंटी क्लॉकवाइज भी, बढ़िया। नेक्स्ट, उंगलियों को चलाएंगे पैरों की, चल रही है प्रॉपर तरीके से, जोरों से दबाओ उंगलियों को, खोल दो, बहुत बढ़िया। अगला, अंगूठे को स्थिर रखेंगे और उंगली चलाएंगे सिर्फ, क्या चल पा रही हैं? इससे हमारी ब्रेन की पावर बढ़ती है, ये समझ में आया? क्योंकि ये ब्रेन से चल रही है, सिर्फ अंगूठे को स्थिर रखो, उंगली चलाओ ओनली। ये देखो किसी की चल रही है, किसी की नहीं चल रही, क्या बात पड़ रही। देखो अब अंगूठे को चलाओ और उंगली को स्थिर रखो,
नहीं। थोड़ा चैलेंज आई है। बढ़िया, चलो जिसको जितना बन गया उतना ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे घुटने के ऊपर कटोरी लगे रहती है, घुटने के दर्द के वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इसको ऊपर की ओर खींचो। खींच गई, होल्ड करो, थामो, थोड़ा छोड़ो। अब बार बार चलाएंगे, चलाओ। सिर्फ ऊपर की कटोरी, बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे तो दोनों पैरों को थोड़ा जमीन पे लगाएंगे और तेज। बढ़िया बढ़िया, आगे आगे की ओर झुका देंगे जरा पंजों को, पूरा आगे। अब आप खुद देखो कहाँ से इन्हें, जंघाओं से लेकर के अंगूठे तक की सारी नसें एक्टिव होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, खिंचती हैं। वापिस आएंगे धीरे धीरे, जितना ज्यादा खिंचाओ उतना ज्यादा लाभ। अब अंदर की ओर लगाए ले आएंगे अपने सोल को, पंजों को अंदर की ओर। अब ये नीचे देखो आप, एड़ी से लेकर के जंघाओं तक पूरा खिंचाव आता है, बढ़िया। धीरे धीरे वापिस होंगे, सुखासन में बैठेंगे आराम से। हाँ जी, कल से पुनः आसनों की ओर बढ़ेंगे, बैठे वाले मुद्रा के। ठीक है, कल करेंगे पद्मासन, फिर वज्रासन, फिर लंबे पैर, इस प्रकार से क्रम चलते रहेगा। अभी के लिए सबसे एक प्रश्न है, क्या एक आठ भी शीर्षासन? अब कल बताएंगे। आ एक प्रश्न यह है कि हाथ उठा के उत्तर देना। एक हाथी तालाब में गिर गया, अब वह कैसे निकलेगा? जी हमने ये कहा कि एक हाथी तालाब में गिर गया, अब वह कैसे निकलेगा? चलो हाथ उठा रहे वालों के। अरे जूम पर कौन है, वीडियो खोल लो, अब सुबह हो गई। चलो बताओ, इस तरफ ले सामने। ये कौन बता रहा है सबसे पहले? बताओ रुक तो जाओ, ये बता रहा है। अरे बताओ आगम। हो गए हाँ लेगा चलो, नहीं इनसे पूछो, नेक्स्ट बताओ। तालाब तालाब के ना कोई हाथी आता ही नहीं। तो के पास कोई हाथी नहीं आता, आता है, बैठो। जिनसे पूछो ये हाथ उठा के गीला होकर बताओ। क्या लाना है था कैमरा, जूम में जो है, इस बच्चे ने उत्तर दिया, सुना होगा आपने, क्या सही उत्तर है? अरे एक तालाब में हाथी गिर गया, तो वो कैसे निकलेगा? तो बात तो यही है सिंपल, कि गीला गीला होकर के निकलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कुछ चीजों में जरूरत नहीं होती है। बहरहाल समय हमारा हो रहा है, आज की योग प्राणायाम कक्षा को विराम यहीं पर देंगे। और सुनो, जूम में जो है, अरे जूम वालों को ही बोल रहा हूँ कि आप लोग तो यहाँ पर हैं ही, जो लोग नहीं उन्हें भी आप मोटिवेट करो और भी लोगों को जोड़ने के लिए। और ये भी बोल रहा हूँ प्रज्ञा जी, वो अपनी प्रगति जी, जय जिनेन्द्र, ये बोल रहा था कि अब ये सेशन 5 तारीख तक चलेगा, सिर्फ 5 सितंबर तक हमारे ये जूम पर। इसके बाद ब्रेक रहेगा, इसलिए जितने भी लोग और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं, सिर्फ 5 सितंबर तक अभी के लिए।